वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छा बाउंस बैक किया है आज के आने के कल भी एक अच्छा बाउंस बैक किया था, फिर आज फिर से मीन्स इस वीक में गिरावट हो चुकी थी पहले 3 दिनों में, फिर यहाँ पे कल में भी एक बाउंस बैक किया, आज फिर से बाउंस बैक किया है। तकरीबन आज 84 लेवल पे क्लोजिंग दे चुका है, 5% का अपर सर्किट भी लग चुका था, तकरीबन 4 पॉइंट पे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक आज के दिन में। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज गैप अप से ओपन हुआ, ओपन होते यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 की मूवमेंट हो गई और फिर अपर सर्किट लगा, पूरे दिन भर यहाँ पे अपर सर्किट में ही था। ओपन प्राइस भी देख सकते हो 84, जहाँ पे आप देख सकते हैं अपर सर्किट लगा था, हाई भी सेम है और लो था 83 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो 16.74,000 करोड़ के मार्केट कैप है, पी रेशियो 15.25 का है और डिविडेंड यील्ड इतना खास नहीं है, फिर भी यहाँ पे डेट फ्री कंपनी जो कि अच्छी है इन्वेस्टमेंट की रहे। तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 1% अप है, सिर्फ पर यहाँ पे 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में तकरीबन यहाँ पे 10.59 तकरीबन 11% की गिरावट देखने को मिली थी, पर रिसेंटली फिर से बाउंस बैक किया है यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक ने। चैट एनालिसिस पे भी नजर डाले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक में जो है आज फिर से अपर सर्किट लग चुका है। तो कल भी यहाँ पे आप देख सकते एंडिंग में अपर सर्किट लगा था, आज फिर सुबह से ही अपर सर्किट लगा है, मंथली प्यूट जो था उसको फिर से ब्रेकआउट दिया, पर यहाँ पे आप देख सकते कि मंडे से नए प्यूट लेवल आएंगे तो मंथली मूवमेंट भी चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक में। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते नए प्यूट मीन्स मंथ चेंज हो जाएगा तो मूवमेंट भी चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते, तो इस मंथ में देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे मीन्स मंथली प्यूट के साथ ही ट्रेडिंग हो चुकी थी, पर आने वाले मंथ में अच्छी मूवमेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के लिए।